नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले का किया दौरा, जहां उन्होंने भाजपा द्वारा लगाए गए कई आरोपों का दिया करारा जवाब। महिलाओं ने घर का कामकाज छोड़कर हाथों में बल्ला और बॉल लिए उतरी मैदान में। महिलाओं को देखकर लोग हुए हैरान। ग्रैंड न्यूज की खास खबर में देखिए आखिरकार कैसे सार्थक होगा किसान दिवस। दुर्ग पुलिस हुई हाईटेक, यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी, वहीं अब पेपरलेस होगा चालान। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम जमराव गुरु घासीदास जयंती समारोह में पहुंचे। उनके साथ भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे और कांग्रेस के कार्यकर्ता और समाज के सैकड़ों संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते कहर में केंद्र सरकार चीन और विदेश से आने वाले फ्लाइट को पहले रोके, फिर कहीं और ध्यान दे। अजय चंद्राकर को मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है, इसलिए वे नए नए नाटक कर रहे हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना है। वहीं वंदे भारत को लेकर कहा कि वंदे भारत ट्रेन जो छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, वह सबसे स्लो चलने वाली वंदे भारत ट्रेन है, जिसके चलते कई ट्रेन प्रभावित हो रही है। आज मेरे विधानसभा के ग्राम जमराव में जोड़ा जैत खाम में आज इस स्थल में गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई गई और बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाबा जी के जो मार्ग है सत्य के रास्ते में चलने का, मन के एक समान का संदेश, समरसता का संदेश बाबा जी ने दिया है और सब लोग उस रास्ते में चलने का संकल्प लिया है और आज के समय में ये सबसे महत्वपूर्ण है। अजय चंद्राकर जी दुर्ग में सभा करते हैं हेलमेट पहन के। देखिए अब ये है कि अजय चंद्राकर के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। वो कितना भी कोई हथकंडा अपना ले, कोई बयान दे ले, विधानसभा में कितना भी जोर से बात रख ले, लेकिन उसको न नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, न उसके प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। दुर्ग जिले में घूम रहे हैं, उसको अब कोई लोग भीड़ भी नहीं आ रही और न मीडिया कवरेज मिल रहा है, तो ऐसे में एक हथकंडा अपना रहे हैं। हेलमेट पहन की किसको हेलमेट पहनने की जरूरत है? आज बस्तर में लोग आराम से आ जा रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उसके समय में तो आदमी बस्तर जाने के नाम से ही लोग घबराते थे, बीपी बढ़ जाता था, तो आज पूरे प्रदेश में अमन चैन है, शांति है। जहाँ जहाँ अपराध घटित हो रहा है तत्काल पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जब से चल रही है सुरक्षा देना पड़ रहा केंद्र सरकार को, उसके लिए सीआरपीएफ जवान लगा देगा, तो उसको क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए वंदे भारत है वो बड़े लोगों के लिए है, मध्यम श्रेणी या गरीब लोगों के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ में 30 से 35 ट्रेनें बंद रद्द कर दी है, स्टॉपेज है उसको बंद कर दिए। जो 50-100 साल से जहाँ जहाँ स्टॉपेज थे, जो ट्रेनें रुकती थी, अब वो बंद कर दिए गए, तो गरीब लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया है। और ऐसे किराया इतना बड़ा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसी समान ये भी पहुंचती है, लेकिन रेट सबसे ज़्यादा क्यों? जो 6 वंदे भारत शुरू किए हैं सबसे स्लो स्पीड इसी का है, तो इसका कोई लाभ तो होना नहीं बल्कि लोगों की जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है। देखिए कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो चीन और जापान पहुंच चुके, किस तरह से? तो सबसे पहले भारत सरकार को करना चाहिए कि चीन से जो प्लेन आ रही है या वहाँ लोग आ जा रहे हैं उसको पहले बंद करना चाहिए। यहाँ के लोगों को डराने से पहले थोड़ी होगा, वो पहले सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ करे कि वहाँ के फ्लाइट है वो बंद करें, या वहाँ के जो लोग आए हैं उसको क्वारंटाइन में रखें, वो काम पहले होना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई में आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिलाओं ने घर का काम काज छोड़कर हाथ में बल्ला और बॉल पकड़ लिया? देखिए ग्रैंड न्यूज की इस खास खबर में। क्रिकेट का खुमार पुरुषों पर अधिक होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। जब क्रिकेट का मैच चल रहा हो तो पहले से ही अपने सारे काम को छोड़कर क्रिकेट देखने बैठ जाते हैं, लेकिन क्या होगा जब यह खुमार महिलाओं पर भी चढ़ने लगे, जो दादी और नानी बन चुकी हैं। 40 वर्ष से ऊपर की उम्र की महिलाएं भिलाई में इन दिनों क्रिकेट के मैदान पर अपना जौहर दिखा रही हैं। घर में किचन तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब हाथ में बॉल पकड़कर बॉलिंग कर रही हैं, तो वहीं विकेट के पीछे खड़े होकर विकेट कीपिंग भी कर रही हैं, बैटिंग भी कर रही हैं, तो चौके और छक्के भी मार रही हैं, समय आने पर दौड़कर रन भी बना रही हैं। ये नजारा है भिलाई के सेक्टर 2 मैदान का, जहां छत्तीसगढ़ी महतारी क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 8 टीमें भाग ले रही हैं और सभी टीमें आपस में क्रिकेट खेल रही हैं। जीतने वाली टीम को 11,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा, तो वहीं उपविजेता को 5,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा, तो वहीं बाकी शेष टीमों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। क्रिकेट खेलने वाली महिलाओं को मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से भी नवाजा जाएगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं साड़ी पहनकर भी क्रिकेट खेल रही हैं तो ट्रैक सूट पहनकर भी खेल रही हैं। महिला माधुरी का कहना है कि अब तक पुरुषों को ही क्रिकेट खेलते देखती हैं, लेकिन जब उन्हें मौका मिला है तो वो भी मैदान में उतर चुकी हैं और चौके और छक्के भी मार रही हैं। फिलहाल महिलाओं में अब गजब का जोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी महिला भी कहती है उनके परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, वह नानी बन चुकी हैं और नानी होने के बाद भी वह क्रिकेट का पूरा मजा ले रही हैं। कहते हैं जिंदगी जीने का नाम है और मजे लेने का नाम है। महिलाएं भी अब पूरी तरह से अपना जीवन जी रही हैं और जमकर मैदान पर चौके और छक्के जड़ रही हैं। और अंजू ही हम लोग को खेलने का चांस दिए हैं, वही शुरुआत की अंजू दीदी ने। कितना रन बनाए, कितना कैच छोड़े, कितना विकेट लेके हम लोग उन लोग बनाए, अगला 35 रन बनाए, हम लोग 2 ओवर में पार कर दिए। 2 ओवर में आप लोग जीत गए। अब तक जैसे मानसिकता रही है कि पुरुष ही क्रिकेट खेलते आए हैं नेशनल लेवल पे, हालांकि इंडिया की महिला टीम खेलती है, लेकिन आप लोग भी अब यहाँ पे है, क्या संदेश देना चाहेगी, क्या महिलाओं को अब आगे निकल के इस तरह के खेल और खेलने चाहिए? खेलना ही चाहिए महिलाओं के इस तरह का खेल। तो कैसा लगा आपको खेल? बहुत अच्छा लगा। कितने साल की हैं आप? मैं 50 साल की हूँ। 50 साल की उम्र में आप मैदान में दौड़ भाग कर लेती हूँ। मैं नानी बन गई हूँ। आप नानी हैं और क्रिकेट खेलती हैं? जी। परिवार वाले कुछ बोले किस तरह? नहीं नहीं, मेरे घर कुछ मना करते हूँ, जाती मैं हमेशा खेलती हूँ। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल था कि पुरुष अधिकांशतः जो क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और सबसे गर्व की बात है मेरे संस्था के लिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये शुरुआत जो है खास करके जो है 35 से ऊपर वाली महिलाएं, जिसमें 60 साल की ऊपर से भी अधिक महिलाएं ने क्रिकेट खेल रही हैं, जो कि दादी नानी सब बन चुकी हैं, ऐसी महिलाएं जो है क्रिकेट खेल रही हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और इसी शुरुआत हमने 2 साल पहले से किया था और ये हमारा 3रा वर्ष है ये आयोजन, और वृहद रूप से इस बार हम लोगों ने इसका आयोजन किया हुआ है। और ये आइडिया मुझे 2 साल पहले आया था और मुझे लगा कि मतलब जो महिलाएं हैं जब बेलन पकड़ सकती हैं तो बैट क्यों नहीं पकड़ सकती हैं, तो उसी उद्देश्य को लेकर के हमने यह आयोजन किया। और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी जब मैंने इस 4 टीम के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी, और आज भिलाई में 15 से अधिक क्रिकेट महिलाओं की टीम है। कितनी टीमें मैदान में उतर रही है, क्या एंट्री फीस है, जीतने वाली टीम को क्या मिलेगा, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज क्या क्या रखे हैं? जी, इसमें बहुत सारी टीमों का तो आया था, लेकिन हम लोगों ने समय और को देखते हुए 8 टीमों को इसमें शामिल किया हुआ है, और इसमें हमारा पहला इनाम 11,000 है और दूसरा इनाम जो है 5,000 है, और सभी को सांत्वना इनाम दिया जाएगा। एंट्री फीस क्या रखे हैं? एंट्री फीस बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क है। अब तक कितनी टीमें आ गई, और ऐसा कुछ हुआ है कि जो महिलाएं खेल रही हैं कोई सीनियर सिटीजन कोई महिला आई हो अब तक? जी, इससे पहले तो मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं कि जब हमने पहली बार शुरुआत किया था तो इसमें 62 एज की महिला आई थी खेलने के लिए, और अभी भी 50 से ऊपर वाली महिला है जो खेल रही हैं। किस तरह का हौसला दिख रही है? बहुत ज़्यादा। कुछ जो नए टीम आए हैं जो शुरुआत कर रहे हैं उनके में तो डर भी है, खेलने को डर है, मैदान में उतरने से भी डर रही हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको हौसला अफजाई किया कि ये शुरुआत है, धीरे धीरे आप लोग भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और उनको हौसला देते हुए आज हमने सभी को यहाँ पर मैदान में उतारा है। एक टीम में कितने खिलाड़ी हैं? एक टीम में 12 हैं। सपोर्ट करते हैं ये हाँ, घर में क्या हमेशा बस वही डेली का रूटीन था हमारा, खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ, ऑफिस भेजो, वैसे ही था। अचानक से एक दिन फिर पता चला कि यहाँ महिलाएं लोग 35+ महिलाएं लोग क्रिकेट खेलती हैं, फिर जाके देखे, ज्वाइन किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हम लोग को, बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे, यही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 23 दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य पर देश भर में किसान दिवस मनाया जाता है। देश के अन्नदाता किसान के लिए आखिर कैसे होगा किसान दिवस की सार्थकता पूरी, आइए देखते हैं वैभव चंद्राकर की विशेष रिपोर्ट में। देश भर में 23 दिसंबर को मनाया जाने वाला किसान दिवस कृषकों के सम्मान में मनाया जाता है। आज के आधुनिक युग में देश का अन्नदाता किसान अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीक का भरपूर उपयोग कर रहा है, चाहे वो हाइब्रिड बीजों की बात हो या सिंचाई के विभिन्न उपकरण हो या खेत में फसल की बुआई से लेकर कटाई तक के लिए मशीनों का उपयोग। सभी कार्यों में मजदूरों की कमी की वजह से मशीनों ने ले लिया है, और यह हमारे वर्तमान कृषि कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक भी है, लेकिन फसल की पैदावार बढ़ाने की अंधी दौड़ भूल चुके हैं कि वर्षों से कर रहे रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण करता जा रहा है। फसल की पैदावार भले ही बढ़ा रही हो, लेकिन इसके दुष्परिणाम वर्तमान पीढ़ी के ऊपर देख सकते हैं। लोगों का शरीर असमय व कम उम्र में ही असाध्य बीमारियों का घर बनता जा रहा है। किसान ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए वे बेजान और बंजर भूमि छोड़कर जाएंगे। छत्तीसगढ़ की वर्तमान भूपेश बघेल सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि क्योंकि वे भी स्वयं कृषक हैं, इसलिए सरकार बनने के बाद उन्होंने जीरो बजट खेती को बढ़ावा देने के लिए नरवा, घुरवा, गरवा और बारी के नाम से योजना की शुरुआत की थी। बीते 4 वर्षों में कृषकों की समृद्धि के लिए इन योजनाओं पर काफी गंभीरता से काम हुआ है।
किसान दिवस की सार्थकता को लेकर दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एनपी दक्षिणकर ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो हमारे किसान भाई है, और आज भी हम देखते हैं कि 65% आबादी का आजीविका का साधन जो है वो किसानी ही है। आज के दिन मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग और रासायनिक दवाइयों का उपयोग को कम से कम करें, और हमारे शासन ने बहुत प्रभावी योजना का जो क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में शुरू है गोठानों के माध्यम से कि हम गोबर का वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, इसके निश्चित रूप से फायदे अब सामने आ रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि सभी के सहयोग से हमारा राज्य भी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है, और आने वाले कुछ सालों में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की पहचान ये ऑर्गेनिक स्टेट करके होने लगेगी। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। दूसरा, मेरा आज के दिन ये आप सभी से अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा कि तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने की मंशा रखें, और इस नई नई तकनीकी जो कृषि के संबंध में संशोधित की जा रही है उसका उपयोग करके हम अपनी खेती अगर करेंगे, उसका प्रसंस्करण करेंगे, उसकी मार्केटिंग में बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं शासन हमारे लिए कार्यान्वित कर रही है, उसका हम सब मिलकर लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आय में बढ़ोतरी होने में देर नहीं लगेगी, और हम सभी के सहयोग से इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत चालानी कार्रवाई पेपर और रसीद से की जाती है, लेकिन अब दुर्ग पुलिस पूरी तरह से पेपरलेस होने जा रही है। आखिर क्या है एक पेपरलेस चालान, देखें दुर्ग से इस खास खबर में। यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों से चालान वसूलती है जो राजकोष में जमा होता है, जिसके अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस के जवान रोड के किनारे खड़े होकर पेन और पेपर से चालान काटते देखे जा सकते हैं। लेकिन अब दुर्ग ट्रैफिक पुलिस आधुनिक और पेपरलेस होने जा रही है। बॉर्डर सिस्टम के तहत दुर्ग पुलिस को 35 ई चालान डिवाइस मशीन से चलानी कार्रवाई पूरी तरह कैशलेस हो जाएगी। सीसीटीवी कैमरे से नियमों का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित करके सीधे उनके घर चालान भेजी जाएगी। इसके लिए पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। डिवाइस को कैसे डिजाइन किया गया है जिसमें वाहन का नंबर डालते हैं, उसके मालिक की सारी जानकारी आ जाएगी। डिवाइस से वाहन चालकों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ QR कोड के जरिए भी चालान की राशि जमा हो जाएगी। दुर्ग पुलिस को SBI के सहयोग से ई चालान डिवाइस मिला है, जिसके अंतर्गत मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन भी डिवाइस में होगा। ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर ने बताया कि वाहन चालकों के वाहन की जानकारी मशीन में एंट्री करते ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसे ये भी पता चलेगा कि क्या इसके पहले भी कभी उस वाहन चालक का चालान बना है या नहीं। उन्होंने कहा कि पहली बार होगा जब दुर्ग में भी डिवाइस से चालानी कार्रवाई होगी। डिवाइस को NIC RTO और बैंक से कनेक्ट किया गया है। इस सिस्टम से ट्रैफिक पुलिस का समय भी बचेगा और आसानी से चालान की कार्रवाई की जा सकेगी। ई चालान डिवाइस के माध्यम से अभी तक हम लोग मैनुअली चालान करते थे, किंतु यातायात पुलिस दुर्ग लगातार अपने आप को अपडेट करते आ रही है। अब ई चालान डिवाइस के माध्यम से हम लोग चालान करेंगे। ऐसे वाहन चालक जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उसका हमको सभी जानकारी उपलब्ध रहेगा। ये डिवाइस NIC से, SBI, ट्रेजरी, RTO और न्यायालय से, ये सभी से इंटीग्रेटेड है, और कोई भी वाहन का हम यदि उसमें नंबर डालते हैं तो उसका पूरा डिटेल हमको पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जितने प्रकार के वॉयलेशन हैं वो सभी डिटेल इसमें अपलोड हैं, और जो वॉयलेटर है यदि वो QR कोड के माध्यम से या फिर ATM डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहता है तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बेटी रायपुर व दिल्ली राजहरा निवासी नम्रता वर्मा ने वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम में दिए अपने ओजस्वी उद्बोधन की वजह से देश की मीडिया में काफी चर्चित हुई है। आइए जानते हैं कौन है नम्रता वर्मा और उन्होंने उद्बोधन में क्या कहा।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गरिमामय मंच पर संपूर्ण ठसक और आत्मविश्वास से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दक्षिण प्रक्षेत्र के मंत्री द्वय एवं अन्य अति विशिष्ट अतिथियों एवं अपार जन समूह की उपस्थिति में काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए हिंदी पत्रकारिता की छात्रा रायपुर दल्ली राजहरा निवासी नम्रता वर्मा ने पूर्णता एक एक शुद्ध हिंदी वाक्यों से सुसज्जित 3 मिनट का ऐसा ओजस्वी वक्तव्य दिया कि मंचासीन अतिथि भी ताली बजाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रादेशिक अस्मिता और राष्ट्रीय स्वाभिमान को लेकर अपने उद्बोधन की वजह से देश भर में चर्चित हुई नम्रता को देश की प्रमुख मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से स्थान दिया है। आपको बता दें कि नम्रता ने दिल्ली के IIMC से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। इसके बाद मीडिया ट्रेनिंग के तौर पर प्रसार भारती में भी कई प्रस्तुतियां दी है। विश्व हिंदी दिवस पर प्रसार भारती के लिए उन्होंने एक प्रस्तुति दी जिसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी रीट्वीट किया था। वह श्री श्री रविशंकर जी की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की स्वयं सेवक भी हैं। फोन पर चर्चा में नम्रता ने ग्रैंड न्यूज के संवाददाता वैभव चंद्राकर को बताया कि उन्होंने पहली बार कक्षा 8वीं में भाषण दिया था। नम्रता ने अच्छा वक्ता बनने के टिप्स देते हुए बताया कि 6वीं कक्षा से ही अखबार पढ़ने में रुचि जगी, आज भी नियमित अखबार पढ़ती हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकों का अध्ययन, विशेषतः रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य, पठन ध्यान एवं आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया का नियमित अभ्यास एक तरह का आत्मविश्वास एवं बल देता है। वाराणसी में काशी तमिल संगम पर उनका यह उद्बोधन काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर वो काफी खुश है। आइए देखते हैं उन्होंने अपने उद्बोधन में क्या कहा था। अति विशिष्ट अतिथियों को सादर प्रणाम करती हूँ। वाराणसी पुरपति श्री काशी विश्वनाथ की धरा, भगीरथी के सतत प्रवाह से अभिसिंचित यह भूमि और महामना मदन मोहन मालवीय के तप से सिद्ध हुई इस भूमि में दक्षिणात्य प्रदेश तमिलनाडु से आए हुए अतिथियों को प्रणाम करती हूँ। काशी प्रभु विश्वनाथरिन पुण्य भूमि का भारत तिंतेन मौनिल माना तमिल गत्तिल ईरंदा वंदिरक्का विरुंदिनार गलक्का वणक्कम वणक्कम। गंगा किनारे अवस्थित यह काशी धर्म, आध्यात्म, संगीत एवं कला शिल्प की भूमि रही है। तमिलनाडु शिल्प, साहित्य, कला, सौंदर्य और तमिल ज्ञान की धरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के अनुरूप काशी तमिल संगमम के आयोजन से हम सब ने भारत के सांस्कृतिक गौरव का परिचय प्राप्त किया है। काशी तमिल संगमम के माध्यम से यह अनुभूति सुदृढ़ हुई है कि हम भले ही भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहते हैं, भिन्न भिन्न बोलियों और रीतियों का व्यवहार करते हैं, पर हम सब के भीतर में लोक मंगल की, राष्ट्रोन्नति की कामना है। इसी मंच पर कवाड़ी अट्टम की प्रस्तुति देखकर मुरुगन की आराधना में मेरे भी हाथ खड़े होते हैं। तमिलनाडु से आए हुए साथी उत्तर प्रदेश के लोकगीतों पर झूमते हैं और हम सब मिलकर कहते हैं भारत माता की जय। वास्तव में काशी तमिल संगमम की सुखद अनुभूतियों को हृदय में संजोए हम सब आह्लादित हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की यहां उपस्थिति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो आधुनिक विचारों से तो ओतप्रोत हो ही, साथ ही अपनी मूल संस्कृति से आबद्ध रहे, और काशी तमिल संगमम के माध्यम से यह भाव पुष्ट हुआ है। और मैं समझती हूं कि काशी तमिल संगमम का आज यशोपूर्ण समापन नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा का शुभारंभ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हम इस यात्रा के सहयात्री हैं। और अंत करती हूं महाकवि सुब्रमण्य भारती की पंक्तियों से, यह है भारत देश हमारा पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन, यह है देश जहां पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन, है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा, भारत माता की जय। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones,
Your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दिनांक 24 दिसंबर 2022 को भिलाई 3 मिनी स्टेडियम परिसर में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की पावन जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ध्वजारोहण के पश्चात में सामाजिक जनों का सम्मान समारोह, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें आप अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई चरोदा में प्रथम बार महामहिम राज्यपाल जी अपने पावन उपस्थिति दे रही हैं। साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री विजय बघेल जी, और इस कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित होंगे। आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपील है कि इस कार्यक्रम में अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। देशवासियों को बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत, एलडी भारती, भारती फैब्रिकेशन एवं ट्रांसपोर्ट। बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत, शैलेंद्र बांधव, छत्तीसगढ़ टेंट हाउस।
छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। विनीत राजेंद्र साहू अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ग्रुप व प्रदेश महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत संत कुमार केसकर गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 पूर्व अध्यक्ष। बाबा गुरु घासीदास जयंती की सभी प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। विनीत एनके बंछोर बीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई 3 के पुराना स्थित पावर प्लांट के राखड़ बांध से परिवहन के दौरान उड़ने वाले फ्लाई ऐश राख सड़क पर गिरते रहते हैं। इससे गुस्साए लोगों ने देर रात तक वाहनों को रोक कर रखा। उनका कहना है कि राख से आंखों की और त्वचा की बीमारी हो रही है, इस समस्या का जल्द ही समाधान करें। भिलाई 3 स्थित पुराना अंडर ब्रिज के पहले एक रोड पावर प्लांट के राखड़ बांध की ओर गया है। यहीं से कोलियाट का भी मार्ग है। पावर प्लांट के राखड़ बांध में जमा होने वाले फ्लाई ऐश यानी कि राख का परिवहन हाइवा वाहन से होता है। लोगों ने बताया कि यह वाहन काफी ओवरलोड रहता है, इसके ऊपर कवर भी नहीं किया जाता है, जिससे पूरे सड़क पर राख गिरता रहता है। सड़क पर फैली राख से परत जम गई है जो भारी वाहन के गुजरते ही धूल के गुब्बार में तब्दील हो जाती है, जिसे लेकर पुराना के लोगों ने बीते माह भी रोड जाम किया था। उनका कहना है कि आम लोगों की सेहत से प्रबंधन खिलवाड़ कर रहा है, लोगों को आंखों और त्वचा की बीमारी होने लगी है। इस राख के आंखों में जाने के बाद काफ़ी जलन रहता है, जो काफ़ी देर तक आंखों में जलन रहता ही है। इधर से गुजरने वाले सफ़ेद कपड़े काले हो जाते हैं। इतना धूल डस्ट इस रोड पर है और इस मार्ग से काफ़ी संख्या में लोग रायपुर से पाटन आना जाना करते हैं। प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो काफ़ी लोग इस राख से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। पावर प्लांट और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द वाहनों को बंद करें, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पूरी दुरुस्त हो चुकी है और पूरा जनता यहां से पूरी जितने भी दुकानदार है सब परेशान है और जितने भी ग्रामीण के भी आवागमन है जो भी है, देखो गाड़ी जितनी भी आ जा रही है, बाइक हो जो भी है, पैदल हो और जितने भी व्यवसाय है ये भी परेशान है। होटल जो भी है, जितने भी छोटे मोटे, हाँ गाड़ी आज करीब 4-4:30 बजे के आसपास हम लोग गाड़ी को ग्रामीण पूरे गांव वाले ग्रामीण मिल के उग्र आंदोलन टाइप का यहाँ पर थोड़ा धरना टाइप को दिए थे, गाड़ी पूरा रोके हुए है। तो गाड़ी इसलिए रोके हैं कि जितने गाड़ी के मालिक है उनको यहाँ पर बुलवाया जाए और किस कदर ये जो है फ्लाई ऐश को उठाते हैं स्पेशल के थ्रू, कमीशन घूस सारा चीज वही चल रहा है स्पेशल में। भिलाई स्टील प्लांट का एक रकबा खसरा घास जमीन है और घास जमीन में भिलाई स्टील प्लांट मिल करके स्पेशल बनाया है और यहाँ जो जनता है बहुत त्रस्त है। अब यहाँ फिर से एक बार उग्र आंदोलन होगा पूरे छत्तीसगढ़ के हिसाब से। गाड़ी इसलिए रोके कि यहाँ एक पल आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, चौक है ये, डेली 10 लाख लोग आना जाना करते हैं। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, ये सारे ये जगह का चौक है, 6 रोड है यहाँ पर। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अब बीच हाईवे में आपका पेट्रोल खत्म हो जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप चिंता ना करें, केवल एक कॉल करें और दुर्ग पुलिस आपकी सेवा के लिए हाजिर। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में कुम्हारी से अंजोरा तक लगभग 40 किलोमीटर का है और दुर्ग जिले में 4 हाईवे पेट्रोलिंग, इसका 10-10 किलोमीटर का एरिया बटा गया है, वो लगातार 24/7 लगातार पेट्रोलिंग करती है और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल समय पर पहुंच के उसको घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर उसकी मदद करती है। उसमें सभी गाड़ियों का अलग अलग मोबाइल नंबर दिया गया है और उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से उसमें संपर्क कर सकते हैं और वो अपने क्षेत्र में रहते हैं और संपर्क करने पर तुरंत 5 मिनट में उनका रिस्पॉन्स टाइम है और वहाँ पहुँच के संबंधित को घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में लेके जाते हैं।
अपने आराध्यों की पुण्य स्थली को सहेजने की मांग को लेकर पूरी ट्विन सिटी का सफल जैन समाज दुर्ग में उमड़ पड़ा। बांदा तालाब से मौन रैली शुरू की गई, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। यहां मौन तोड़कर जैन समुदाय ने समय शिखर बचाना है, पवित्र स्थल को तीर्थी क्षेत्र बनाना है के नारे लगाए। SDM को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, झारखंड के मुख्यमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल झारखंड सरकार द्वारा समय शिखर तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विरोध जताया गया और निर्णय को वापस करने की मांग की गई। इस दौरान समाज के लोगों ने अपने हर तरह के प्रतिष्ठान पूरे दिन स्वफूर्त बंद रखे। यह दूसरा मौका था जब समाज के पुरुषों के साथ महिलाएं, बच्चे, युवा व बुजुर्ग भी घरों से एक साथ निकले। अहिवारा जैन श्री संघ ने अहिवारा नगर में शांतिपूर्ण रैली निकालकर समय शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विरोध जताया। बस स्टैंड में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जिले भर में यह प्रदर्शन हुआ। इससे पहले भिलाई का सकल जैन समाज कारों में सवार होकर दुर्ग के बांदा तालाब पहुंचे। दोनों शहरों के लोग इकट्ठा हुए। यहां से भगवान महावीर के अहिंसा के संदेश को चरितार्थ करते हुए पूरा शहर मौन रहकर समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि समय शिखर में 20 जैन तीर्थंकरों व अनंत संतों की मोक्ष स्थली है। इसे स्वतंत्र पहचान, पवित्रता और संरक्षण देने के लिए यह शांति प्रिय आंदोलन झारखंड सरकार को चेतावनी थी। दुर्ग से सकल जैन समाज के अध्यक्ष मदन जैन, पंचायत अध्यक्ष गौतम बोथरा सहित जैन समाज के हजारों लोग उपस्थित थे। जो करीब हजारों साल का उसका इतिहास है। हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर वहाँ मोक्ष गए हैं और वहाँ मोक्ष गए हैं और सैकड़ों साधु साधुएँ वहाँ मोक्ष गई है। उसको झारखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया और केंद्र ने भी अपनी मुहर लगा दी है। जहाँ एक और मोदी जी पूरे मंदिर बचाने की बात करते हैं, वहाँ जैन समाज के सबसे पुराने क्षेत्र यहाँ के 24 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरे विश्व तीर्थंकर पूरे देश में भारतवर्ष में आज टोटल बंद का आह्वान हुआ है और आज हमने लॉन्ग रैली निकालने कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए हम लोग दूर पर गई थी। लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। द्वारा ये सब किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज के द्वारा किया जा रहा है। मंदिर तोड़ने का नहीं है, वो पर्यटन स्थल पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं। उसको बाहर है वो बहुत बड़ा मांस मटन क्षेत्र पर्यटन के लिए मांस मटन शराब सब वहाँ बिकने लग जाएगी। उसका अनुरोध कर रहे हैं तो उसको तीर्थ स्थल रख दिया जाए। और धार्मिक क्षेत्र ही रहे, पर्यटन स्थल होने से क्या होगा, वहाँ होटलें खुलेगी, मांस मटन सब होगा, उससे हमारी जो भावना है बहुत आहत होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। खुर्सीपार तिहारा के पास बाइक एवं स्कूटी सवार आपस में टकरा गए, जिसमें स्कूटी चालक एवं बच्ची को चोट लग गई। हाईवे पेट्रोलिंग ड्यूटी में तैनात आरक्षक लचकेश यादव और आरक्षक यशवंत सिंह ने फौरन घायल बच्ची को प्राथमिक उपचार के लिए सुपेला शासकीय अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल बच्ची ठीक है। गांजा तस्करों को सुनाई 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। आपको बता दें कि खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की है। आपको बता दें कि पूरा मामला बेमेतरा सिटी कोतवाली का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक अवैध रूप से बाइक में गांजा ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कृषि उपज मंडी के सामने वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान वाहन को रोककर शैलेंद्र पटेल व सी बहोर पटेल, जो मध्य प्रदेश रीवा के रहने वाले हैं, की तलाशी ली गई तो उनके पास रखे पिट्ठू बैग से 11 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें, आज बेमेतरा जिले की विशेष न्यायालय नारकोटिक्स के न्यायाधीश पंकज सिन्हा के द्वारा दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 1,00,000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किए गए हैं। मामला फिटी कोतवाली बेमेतरा का है, जिसमें 11 किलो गांजा के अपराध के दो आरोपी शैलेंद्र पटेल, शिव बहोर पटेल, रीवा मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर विशेष न्यायाधीश नारकोटिक के माननीय न्यायाधीश श्री पंकज कुमार सिन्हा को ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,00,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।